सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो बज रहे हैं सुबह के 8:30, उठी थी मैं 8:15, बट 8:30 हो चुके हैं। तो साथ साथ मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा भी कर लिया जाए, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। और मैं सोची थी कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आनी चाहिए यूट्यूब पर, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बन सकती है, यूट्यूब पर नहीं। तो भाई मैंने दूध भी गर्म कर लिया है, फटाफट सारा काम फिनिश करेंगे इनके आने से पहले। भाई दूध भी गर्म कर लिया है, ये आते तक बहुत लेट हो जाता है, फिर बेड पे लेट जाता है, काम हो नहीं पाता और मैं लेट हो जाती हूँ इनके चक्कर में। तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ के, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ा जल्दी उठाया जाए, क्योंकि पहले आदत थी, क्योंकि जब आदत बनी हुई थी, अब आदत थोड़ी सर्दियों की वजह से ना बिगड़ गई है, क्योंकि 8:30, 9 बजे तक उठने की, इसको आदत को सुधारते हैं और पहले तो रूटीन पर आते हैं। तो फटाफट से काम कर लेते, फिर आपको दिखाते हैं इनके आने पर। ये परेशान ज़रूर करेंगे मुझे पता है, काम तो करने देते नहीं है, तो फटाफट से काम कर लेते हैं। तो भाई मैं तो आ चुका हूँ जेल से घर पे, और भाई मैडम ने तो आज पहले ही उठी ली है। अंजीर खा ली मैडम? हाँ। अब देख लो कितने काम कर लिए इसने, ये हाई है। कई बार काम करा ना पावे जी तो काम कर लीजिए। देखो कहाँ गई मेरी तस्वीर, यहाँ पड़ी है। आज पूरी साफ सफाई कर रही बढ़िया से, और भाई मेरे सारे सूखे रखे हुए हैं, और सारा कमरा साफ कर दिए, ये वाला भी, यहाँ पे भी, और किचन भी दिखा देता हूँ। आज ये इतनी फुर्ती में क्यों है? यहाँ पर सारा सामान रख दिया और सारी साफ सफाई कर दिया आज। भाई आज इतनी फुर्ती कैसे भाई? शुगर है या उठने लगती है ना, तो पागल से है ना, उठे ही ना थे। तो चलो भैया मैं अपनी मील ले लेता हूँ फटाफट से, और मैं अपने डेट्स मंगा लीजिए जो कि ख़त्म हो रहे थे, दो पैकेट मंगाई देता हूँ। हैं? अरे यार अंजीर ध्यान ना रहे, कोई ना मैं मंगाता हूँ अंजीर, और वो मंगा लेंगे क्या कहते हैं बादाम। तो भैया अपने ओट्स तो पहले ही गर्गर देता हूँ, ओट्स ये निकल गया। चलो ये भी आप निकाल के दिखाता हूँ। जैसा कि आपसे कल प्रॉमिस करा था कि भाई आपको दिखाएंगे मैडम क्या क्या चीज़ ले गई, ये तो कल मैडम पैंट ले गई, एक फॉर्मल सी और एक ये चिपकी वाली आ गई है, मेरे को लूज चाहिए। अरे यार सही है, ये भी मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। टॉप भी अच्छा है। तो भाई मैडम की सेकंड ड्रेस देखो, ये रही, आहा, ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन एक नंबर। तो भाई ये मेरा फेवरेट हो गया, और भाई एक बार कमेंट करके बताना है पसंद तो नहीं करे सारे आज पहली बार कुछ चीज बढ़िया परफेक्ट फिटिंग की और बढ़िया चेंज करो, हील और दिखाओ, देखो दिखाओ हील ब्लैक पहननी हो तो देखो ब्लैक भी जाएगी। देख लो भाई एक नंबर की हील ले आई, पर कल है ना इसने जो जो शॉपिंग करी ना बहुत तगड़ी शॉपिंग करी है। एक नंबर ठीक है। अगर ये ना पहन लो तो इसके यार वो क्रीम कलर वाला भी तो अच्छा लगता है इसके ना, हाँ। ब्लैक वाले पे, ब्लैक पे जो फुल में कह रही थी, एक नंबर तो जो भैया ने कहा था ना कि भाभी पिंक सा भी ले लो, वो इसे मैच करता, और वो ब्लैक के साथ जीन्स के साथ वो ट्राउजर के साथ जाता ही। आपने क्या बोला, क्या कलर ले रही है? तो कभी कभी ऐसे भी लेने चाहिए जो फुल भी हो और अच्छे भी लगे, है ना। अब नेक्स्ट आहा कैसा लग रहा है? बढ़िया, ये इसमें मैच करो ना कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ, है ना। इसमें भी ये दोनों चल जाएगी, दोनों ही ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, है ना। हाँ ये वाली शॉपिंग सक्सेस हो गई पूरी तरीके से, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। सेक्टर 14 है जिसको भाई शॉपिंग करनी हो, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि सस्ता है, पर महंगा भी है, सस्ता भी है, पर यार आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी मिल जाती है। एक बात जरूर कहूँगा भाई, सेक्टर 14 वाले मार्केट वालों भाई छोड़ लड़का के भी लाओ लगते, हाँ, और एक दिन छोड़ के एक दिन लड़कों की लगाओ, एक दिन लड़की की लगाओ, ना 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 ऐसा ना, लड़का लड़की दोनों के लगाओ एक साथ। हाँ अच्छा समझ गई,
लड़के साथ आ सके लेके देने के लिए। हस्बैंड वाइफ इतना शॉपिंग करते हैं, जैसे अभी मेरे साथ जाते हैं तो इनकी शॉपिंग नहीं हो पाती है। एटलीस्ट जैसे हम लोग डेली वेयर के लिए चीजें लेते हैं, डेली वेयर के लिए मेरी चीजें बताइए, पजामा पजामा कितने का पड़ता है? पजामा पजामा कितने का पड़ता है? यार वहां पर कुछ है ही काम, ये अच्छा। तो भाई फाइनली नहा धो के तैयार हो लिए हैं, और भाई मैडम भी आज डेली मैडम हम साड़ी पहन रही भाई, बहुत बढ़िया। इसको बस एक बार चढ़ा दो, मैं चढ़ा के रखता हूँ, मैं बोल देता हूँ साड़ी में एक नंबर की लगती है, तो भाई एक नंबर की साड़ी पहन के रखती है। पूजा कर लिए भाई, अब पेड़ों में पानी दिया जाए, बिल्कुल सूखे हैं ऊपर से, पर सूखे तो नहीं है, मतलब जी पानी देना बनता है भाई इनको। चलो जी मैडम ले आओ एक बार, आज सुबह तो पानी ना दिया है ना, चलो जी पानी देते हैं भाई पेड़ों को, जरूरी है, पेड़ों से ही जिंदगी है भाई। ये तो सब समझ ही गए होंगे, खींच लाऊं भाई। तो भाई अभी मैं अभी हम नर्सरी गए थे, वो वाला सीन बताना, वहाँ कितनी ठंडक आ रही थी, नर्सरी गए थे जब भाई बहुत ठंडक थी। वास्तु दोष होता है, पता नहीं क्या बता रहा था, पागल है ये भी। कई कई वीडियो बनाने वाले दलिया नहीं खाना ना, ओट्स नहीं खाने चाहिए, दलिया खाओ, अरे कुछ भी खा लो, खा तो लो ढंग का तो खाओ। चलो अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ी देर। तो भाई आज धूप तो नहीं है, पर हाँ गर्मी जरूर है, और गर्मी फील भी हो रही है। हो रही है आपको? हमेशा मैं ही क्यों सारे काम करूँ, ये क्यों ना करे सारे काम, से पेड़ में पानी दलवाते हैं। ये वाला पेड़ सही हो गया, उसमें भी छिड़काव कर दो थोड़ा सा, इधर पर थोड़ा दूर से करना, तुलसी पे कर दो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ऐसे कर करो ना, ना इन पे भी कर दो, बहुत अच्छा, तुम और ग्रो करोगे और बढ़ो, इस तरफ बढ़ जाओ कि धूप ना आए। वो तो है ही, खाली खाली से हो गए थोड़े से पेड़ यहाँ वाले, वो पतझड़ आ रही है। और बारिश आएगी ना फिर दोबारा पहुंच जाएगी, हाँ लगनी तो बारिश आएगी, सूखी गर्मी है, धूप के बगैर वाली गर्मी है, कल से बारिश है, किसने बोला कल से बारिश है? वेदर को रिपोर्ट दे, वेदर क्या नहीं बोलता, वेदर बिल्कुल पति की तरह जो कहता है मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, और आता आधे घंटे में, वही तो वेदर है। सबको पानी दो, सबको जरूरत है पानी की, इंसानों को भी है तो पेड़ों को भी है। क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं मोड़ा? आपने मोड़ दिया इधर से पाइप, भाई चलो अंदर चलते, गर्मी लग रही है मेरे को तो बहुत। सारा काम मेरे से कल करवा के, शूज़ धो दे, ये धो दे, वो धो दे, और शूज़ सुखाए भी नहीं जा रहे वापस, इतने आलसी हो गए हो। सुखा तो रहा हूं, सेमे बनना जा रहा है, 100 बार बोलने की बात की हाँ सुखाने हैं, अब आइए धूप तो वैसे भी है, धूप आ गई, ऐसे सुखाना कि शाम तक सूख जाए, मेरे को वर्कआउट करना है, देखना कहाँ रखेंगे, उनकी जगह देखना रखने की, तो मैं भी नहीं सोच पाती। अब बिल्ली ले गई ना, फिर देखना, वेरी गुड, इतना तो मेरे हाथ आता ही ना, छोटी सी है ना, देख इतनी सी है ना तू, अब तो मैं इतना सा बनाती हूँ, आजा चुरो बनाई, इतना सा बनाऊंगी अब फूट फूट के, मैं कह रही हूँ तुम बनाऊंगी, गुस्सा काहे होती है, मैं काम नहीं करता, नहीं करता मैं काम, एक बार तो नहीं करते, पहले चिल्लाओगे 10 बार फिर करोगे काम, वो दिखाइए इसको, तो दिखाइए कर देते हो सारा काम ही तो आप करते हो, तूने वो बनाया क्या यार, मन्ना बोल बार बार बार, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लगना भी ना चाहिए, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, हाँ तो सही है, वही तभी बोल रहा हूँ मैं, इन पत्तों को इनके वो छिलकों को ना रख लियो पानी में भिगो, एक्सपेरिमेंट क्या करते हो दूसरों को देख देख के, अरे नहीं फिर ये क्यों रखा है तूने, ये क्या, ये तो उसके लिए है, गांव के लिए बना दो ये, अबे ये पानी, ये तो पत्तों में डालने के लिए, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ पत्तों में डालने के लिए, दिमाग हरकतें करवा लो, बस काम नहीं करो है ना,
काम करता है काम। और अपने भी फ्रूट्स काट लिए बता रहा हूँ मैं तने। लगा रखी क्या आपने? हाँ ये काट रही हूँ। कल जैसे तो वो मेरे घेवर खा दी थी वैसे ही खा दे रही थी। आपने दिया नहीं खाया? दिया था आपने। मैं तो देता भी ना। क्यों दिया? तू बार बार शक्ल देख रही थी इस बार दे दी मैंने। पसंद भी नहीं था। फिर खाया क्यों? वो तो एक बार मुझे उल्टी आने वाली थी अंदर से। आई यार बहुत गंदी है। अभी मैंने खा लिया ना कहते प्रेम से दिया है। चलो आज ही जाता हूँ। तुझे पसंद नहीं है मैं नीचे रहूं मैं चाहती हूँ सुख में रहूं जहाँ मैं रहूं वहाँ ठीक है। गलती आप करते हो। चीजों को आने का मौका मिल गया तो गलती मैंने करी है ये हैं ना। आज बता दे आज बता दे आज फैसला हो ही जाए। मैंने गलती करी है। अनार के दाने गिराए इसने ना मेरा लगा दिए। बहुत बढ़िया शानदार मैडम शानदार। ए मैडम अब थोड़ा ना बोले गलती पकड़ी गई तो मेरा नाम लगा दे। वैसे कर क्या रहे थे आप? मैं आपने जो अंडे खाने के छिलके छोड़ छोड़े थे अंदर के वो उन्हें फेंक दी थी ठीक है ना। आप फेंकते तो मुझे फेंकना पड़ते। ले 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 इसमें मेरी गलती है। इतने सालों से कौन फेंक रहा है? हैं तो बस फिर भाई जिसको अच्छा लगे वो बीवी की हेल्प कर सकता है इस तरीके से। ऐसे भी घर में शांति बनी रहती है वैसे तो। हाँ मतलब जिस घर में मेड ना हो या जिनकी औरतें आलसी हो तो पति ऐसे हेल्प कर सकते हैं। पर मैं तो ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन्हें भी भूख लग रही है और मुझे भूख लग रही है। 12:30 हो गए यार ये बजने वाला है। मुझे तो पसीने आने लग गए। कितनी मेहनत कराते हो आप फिर से सुबह शाम। मैं सोच रही दोबारा हालू कर लगे। ऐसा नहीं कर रहा मन बारिश आ जाता ना भी देना यार। बाहर ही तो इतनी गर्मी हो रही है ऐसा लग रहा है घर खाना अंदर ही बाहर बन रहा है। तो कोई बात नहीं अभी तो कपड़े और सुखाने हैं आपको। मैं क्या करोगे आप? सारे अनार तो इसमें डाल देना। गिरे भी आप ही गलती से ही है। वो भाई क्या अगर आप प्लेट में वो कूड़ा नहीं छोड़ते तो होती दिक्कत। देख लो इनडायरेक्टली पति की ही गलती है सब चीज में चाहे एग्री करो चाहे मत करो। वैसे एग्री कोई पति करता भी नहीं है। मेरी ऐसी बीवी होगी भी ना किसी की जो उधार लेके उधार भी वापिस उतना ही दे दे और पैसे भी ले ले 500 रुपए जेब से वापिस रख भी दे तो रखी को निकालने के लिए जाते हैं। तो इसी के साथ आपके फ्रूट सोच धन्यवाद। आज कपड़े इतने सारे बिखेर क्यों रखे हैं तूने? अलमारी में दूसरी मशीन
और ये आज भाई अभी तूने साड़ी पहनी थी, अभी यू क्यों पहन लिया? वो ना मैं चेक कर रही थी कौन सा किस पे जा सकता है, तो वो ट्राई करने के चक्कर में पहन लिया। रियो का तो पहने जी कपड़े रख के जा रहे हैं यार, कपड़े लगा लगा के रख लिए। सही है, जीन्स मेरे में रख दी थी। हैं हाँ, मेरे को जीन्स नहीं मिल रही थी, मैंने कहा एक जीन्स किधर गई मेरी, तो वहाँ पर देखा इतना बड़ा जीन्स है वहाँ पे। ये साइड तो पूरी इसकी है, और ये वाली साइड भी ले ली, ये वाली साइड भी, मेरे में बस ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं आपके पास? हाँ बोलो। अच्छा तू कम बोल। मत करो यार, मैं गाल खराब हो जाएंगे। लग जाएगी मेरे, मार दूँ फिर मैं सारे बिखेर दूँगा। नहीं नहीं रख मेरी कसम है यार, बड़ी मुझे दया होते, प्लीज रहने दो। ये दिखा दो भाभी, आपकी ये वाली ड्रेस अच्छी लगी मेरे को। ये वाली? हाँ। अच्छा उस पर देख लेंगे व्लॉग में। हाँ। ठीक है। नहीं अच्छी तो मेरे को भी लगी, कोई तो मैंने मंगाई। कपड़े तो बहुत हैं मेरे पास। हाँ भाई ना लाइन पे। बस पहनने के लिए कम है। नू क्या हर 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 दिन मेरे को अलग चाहिए लत्ते पहनने के लिए। नहीं मैं कह रही हूँ हर ओकेजन के लिए अलग। ठीक बताओ एक जिंदगी थी वो वाले। हाँ। उसमें कपड़े लत्ते नहीं पहने अपनी मर्जी के, और हर बार अलग अलग। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि दो चार साल से वही कपड़े पहन रहे हैं, तो अगर आप कमा रहे हो तो आप अपने अपनी ज़रूरत तो पूरी कर सकते हो यार। अब आप अपनी भी नहीं कर सकते तो कमा किस ले रहे हो? आप अपनी मर्जी के अपनी पसंद के कपड़े लत्तों पे भी नहीं पैसे वेस्ट कर सकते, उनके हिसाब से वो वेस्ट है। इसलिए मैंने वेस्ट वर्ड यूज़ किया, तो फिर क्या फ़ायदा था कमाने का? क्यों? इसीलिए मैं अपनी मर्जी के सारे कपड़े लेती हूँ, जो अच्छा लगे पहनो, क्योंकि यही जिंदगी है। इवन अभी मिलनी भी हो ना तो भी जिंदगी नहीं चाहिए मेरे को अभी। और आप आपको चाहिए क्या? जब तू ये ना आए तो फिर मैं ये करूँगा। तो कल ना सही ले रहे थे अभिषेक भैरव, वो जो पिंक वाला टॉप बताया था ना सही था वो, ये फुल स्लीव ठीक है यार, फुल स्लीव वाला पिंक वाला ना ब्लैक ट्राउजर पे जाता। ओके कोई नहीं, किसी और दिन देख लेंगे, किसी दिन और देख लें, और फिर तीन चार दिन तीन चार और ले आइए, है ना? हाँ टॉप टॉप लाने में क्या दिक्कत है, ले आने चाहिए यार। और ये मैंने अपना कश्मीर में पहना था यार, याद है मेरी ये ड्रेस याद है आपको? मेरे को तो याद है, तुझे याद है? आई थी ये मस्त नहीं आई थी? ये मेरी फेवरेट ड्रेस है भाई, यही एक दो ड्रेसेस हैं जो मैंने दिलाई अच्छे शोरूम से लिए, जब मुझे इतना पर ये लुक में भी अच्छी लगे बेटा। हाँ, कुछ चीजें अच्छी भी है शोरूम से लेने में, पर हर चीज नहीं। अब जैसे ये मिंत्रा का जंप सूट है, ये एक नंबर का है, याद है? एक दो बार पहन लिया। एक तो क्या कहते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में और एक जयपुर। कपड़े एक दो बार पहन के भाई रख दो, दोबारा पहनो तो याद आए कि हाँ हमने कब पहने थे, नहीं कि आप एक कपड़े को बार बार रिपीट कर रहे हो तो आपको याद रहेगा अभी तो पहने थे, मन भी नहीं करता पहनने का। और ये भी याद है कब पहना था? कश्मीर में ये मैंने तभी साथ में लिया था, दिला के लाया था ना, फेवरेट है। चलो जी आज रोटी बनाओगे पराठा बनाओ, तो ये तो ड्रेस भी बदल दी पल पल में, देखो तो आप कैसी लग रही मेरी ड्रेस? देखो ड्रेस के हिसाब से पराठा बनाओ। नहीं रोटी बनाऊंगी, आए रहो घी की सब्जी है वैसे भी, जितना नहीं खाते फैट हो जाएगा बॉडी में, तेरी बॉडी में फैट होगा। बेटा ये फैट कहीं और जा रहा है, जा रहा है? देख ले पेट पे ना, दिमाग में, वहां पे भी ना, जहां जा रहा है जाने दो। जाने दो भाई, आई कर दे आलू की सब्जी, देख लो भाई ये फेवरेट सब्जी है भाई मेरी भी, आलू के ऐसे कौन कौन बनाता हो भाई, सूखे आलू ही सब्जी ऐसे, सिर्फ सोल्ट है और कुछ नहीं, मजा आ जाता पर खा लो, है ना? मेरे को भी एक पीस दे दोगे? अरे आधा ले लो, ठीक है दोबारा बना लूँ शाम को। ओके
चलो बना लो फटाफट से फिर खाते हैं। देखो भाई मैं कितनी देर से खड़ी हूँ गेट पे और ये आदमी कभी कतई आके जल्दी ना, मतलब कभी जल्दी चलना ही नहीं है, वक्त पे कहीं चलना ही नहीं है। देख लो, देख रहे हो, अभी तो इन्हें जूते सैंडल ढूंढने पड़े हैं। बारिश आ गई है, आ गई, जाओ गाड़ी की चाबी लाओ। आ गई, अभी आएगी नहीं, आ गई। तो भाई बारिश आ गई, ज़्यादा बारिश आई ना तो आज तो पक्का ही ना होंगे। अभी हल्की हल्की सी है, देखते कितनी बारिश आती है आज। थोड़ी यहाँ ढंग से देखिए क्यों वाइट है ना, इसलिए दिखता नहीं है। बारिश आ तो रही पर अभी हल्की हल्की है। आ आ आ आ जी, ऐसे बोलते जा रही जी। हेलो, चले जी आए। आजा, आजा। लग रही है ना, जब ये तो यहाँ रखते हैं, इनका मेडिकल होता है, यहाँ मेडिकल होता है इनका। हाँ, इसके पैर में एक पैर थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा हो रहा है ना। चलो बारिश हो रही है, फटाफट चलते हैं। बिजली कटकन लग रही है, कह रही बारिश ना हो रही। मैं छुट्टी नहीं करी है, मैं वर्कआउट कर रही हूँ। राइट, आज भीग जाते फिर मेरे को एक मौका मिल जाता। तेरे को भी मौका मिलता, आपको मिलता। चल इसके बाद चप्पल लेटर रिंग लगाओ ये। हाँ पता है मेरे को। चलो चलो जी, ये धन्यवाद। दो तीन, बहुत बढ़िया। चार पाँच, शक्ल देखो इसकी। छः सात आठ नौ दस, बहुत बढ़िया। बस चलो, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, सात सात आठ, चलो चलो किसको बोल रहे हो, ये मेरे को किसको? जो मेरे ब्लॉग देखते हो, खासकर कपिल को और रौनक को। और जो और बंदे भी जिम में ना पहनते हो शूज, उनके लिए है कि शूज पहनो। भी मेरे गिरते गिरते के बच गया, उस पर लगा था तो मैं बच गई। हमारे तो देखो, हम आते हैं ना संडे को, ट्रेनिंग करते हैं हम, आके सुबह जल्दी उठते हैं, हम रेस्ट नहीं लेते हैं। मंडे को सेट हम वीकली कार्डियो का एक भी दिन रेस्ट नहीं लेते हैं। वीडियो खराब हो गया, 7 डे कार्डियो करते हैं हम वीकली। फिर बताइए वो ब्लू टी शर्ट। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हो कि यह संडे को नहीं है, तो अगली बार संडे को बीवियों के साथ लेके आना, मैं भी आऊंगी। अरे नहीं, क्यों, ट्रेनिंग तो हमारी है ना, तो हम भी कर लेंगे ना। नहीं, नहीं, नहीं। आप लोग रेस्ट करो। नहीं नहीं, हम रेस्ट आठ दिन करते हैं। बोल दिया ना, बोल दिया ना, बात तो भाई सुन लो। और मनोज जगी एक ये और एक ये और एक ये, ये तीन बंदे ही आते हो कि ये शादी शुदा, कहते बीवी दुखी करती है। आपकी वाइफ भी ब्लॉग देखती है कि भैया विपिन भैया यूट्यूब ही नहीं है, फोन ही नहीं है, मेरी वाली पास भी फोन नहीं है। नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आज छिन जाएगा, आज छिन जाएगा। तो भाई सुन लो, आज फोन छिनने वाला है। आज मैं आपकी बीवी का नंबर, आपकी बीवी का नंबर लेके रहो, नेट नहीं होगा फोन में। मैं मुझे उनका नंबर दे देना एक बार, दे दोगे ना? 9711563 अपना दे रहे होगे पक्का, बहुत तेज है। स्कूल में कितने तेज हो। अरे एक बार मैंने पापा पढ़ने बात कर दी। देख लो ऐसे वक्त पे खुलते हैं इनके राज,
मैं वर्कआउट हो गया फिनिश, अब मैं फ्री, मैं जाऊं बाहर। सुबह काम कर रहा है, क्या कह रहे थे? अब तो रिकॉर्ड हो गया, अब तो रिकॉर्ड हो गया। ऐसा हम लोगों की मेहनत नहीं दिखती, वी आर यूजलेस। आपकी वजह से हम खाने के लिए लेट हो गए, पता है आपको? और पर से बिल्लियाँ, बिल्ली ना होगी आफत हो गई है तुम्हारे लिए। मैं बहुत दुखी था, खाई बिल्लियाँ, मैं कुछ ना कुछ बताओ भाई। तो भाई आज हमारे हाँ ये जरूर बताना कि बिल्लियों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई घरेलू नुस्खा हो कुछ हो तो भाई जरूर बताना। और आज हमारे डिनर के साथ है एक स्पेशल चीज, आइसक्रीम है, आइसक्रीम ये रोटी और ये छोटी सी मिठाई, साथ में आइसक्रीम। हाँ तो आइसक्रीम खाओगे आप भी, इसको ओढ़ने दो, भी रहने दो, हाँ बहुत हार्ड हो रही है। तो भाई कल ये ख़त्म हो जाएगी, कल मैं बनाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी, तो उसके लिए हमें आइसक्रीम लानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दे और आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, इसी तरह दोस्तों, राधे राधे राधे।